नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ टीवी पर। तो फिर से मैं आपके लिए स्कूल न्यूज़ लेकर आया हूँ, पर एक बुरी न्यूज़ भी है, ठीक है। और ये कोरोना न्यूज़ है और साथ में एक तरफ से स्कूल न्यूज़ भी है, ठीक है। तो आइए मैं आपका शेयर करता हूँ। तो कोरोना, हिमाचल में 9वीं कक्षा की छात्रा समेत 4 संक्रमितों की मौत, यानी कि एक विद्यार्थी की मौत हो चुकी है कोरोना से। ये एक बुरी खबर है हमारे लिए। और 24 घंटों में 202 नए पॉजिटिव मरीज आए हमारे सामने, ठीक है। कोरोना के 24 घंटे में 202 मामले हमारे सामने आए हैं और इसके साथ ही 9वीं कक्षा की छात्रा की मृत्यु हो चुकी है कोरोना की वजह से। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्लेटी की 9वीं कक्षा की कोरोना पॉजिटिव एक छात्रा की मौत हो गई है। जो ये छात्रा थी वो कांगड़ा जिले से थी और स्कूल था उसका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्लेटी, 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी डेथ हो चुकी है कोरोना से, ठीक है। कोरोना से जिस छात्रा की मौत हुई है वह हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन थी, यानी कि उसका जो मेडिकल चल रहा था, चेकअप चल रहा था, वो हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। स्कूल खुलने के बाद 27 सितंबर से 21 अक्टूबर तक 126 विद्यार्थी पॉजिटिव आ चुके हैं। तो आपके स्कूल अभी खुले हैं पिछले मंथ से, सितंबर के लास्ट में 27 सितंबर से, और 21 अक्टूबर तक 126 विद्यार्थी पॉजिटिव आ चुके हैं, यानी कि 126 विद्यार्थी अभी तक जो स्कूल खुले हैं पॉजिटिव आ गए हैं। जबकि मौत का पहला मामला है, यानी कि ये पहली मौत हुई है, ठीक है, विद्यार्थी की पहली मौत हुई है स्कूल खुलने पर। तो क्या पता लगता है आपके स्कूल बंद हो सकते हैं, तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिस छात्रा की मौत हुई है वह 12 अक्टूबर से स्कूल नहीं आई थी। विभाग ने एहतियात स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के अलावा आसपास के क्षेत्र में 160 लोगों की कोरोना जाँच की है। स्कूलों को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया है। तो जो एहतियात स्कूल है, विभाग है, उन्होंने स्कूल और आसपास के गांव में 160 लोगों के कोरोना के जांच लिए और स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है, ठीक है। और CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि एहतियात तौर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों व गाँव के लोगों के लिए कोरोना की जाँच के लिए 160 सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट शुक्रवार को आएगी, ठीक है। उधर सैनिक स्कूल सुजानपुर के 2 विद्यार्थी भी संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा गुरुवार को 3 और लोगों की मौत हुई है, यानी कि आज के दिन 3 और लोगों की मौत भी हुई है कोरोना से, ठीक है। वहीं 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 202 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 2 बुजुर्ग और शिमला में 1 बुजुर्ग की मौत हुई है। शिक्षा विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को ऊना में 19, कांगड़ा में 9, मंडी में 3 और हमीरपुर में कुल 5 विद्यार्थी संक्रमित हुए हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कितने केसेस आए 24 घंटों के अंदर, 202, और एक छात्रा की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से, जो कि 9वीं छात्रा में पढ़ती थी, ठीक है, 9वीं क्लास में, और वो उसका स्कूल था जिला कांगड़े में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्लेटी। तो अब आपके स्कूल बंद हो सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ पता नहीं है, हमारी सरकार ही निर्णय लेगी, सरकार ही हमारे स्कूल बंद करेंगे। तो जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के जरूर शेयर करना है, ताकि उन्हें पता लग सके कि कोरोना कितने केसेस आए और विद्यार्थी कौन, किसकी मृत्यु हुई है, वो विद्यार्थी कौन है, सबको पता लगना चाहिए ना, क्योंकि नया मामला है। पहले अभी तक कोई डेथ नहीं हुई थी, विद्यार्थी संक्रमित हो रहे थे पर अभी तक कोई मरा नहीं था, यानी कि डेथ नहीं हुई थी कोरोना से, पर अब आ चुका है एक मामला जिससे वो थी कांगड़ा जिले में, ठीक है। स्कूल मैंने आपको बता दिया, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।